أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد आगे बढ़कर परवरदिगार कहता है मोहम्मद कसम है
विलायत को फरिश्तों के सामने रखा, जिस जिस फरिश्ते ने इनकी विलायत का इकरार किया उससे मैंने अपना दोस्त बना लिया, जिसने इसका इनकार किया मैंने उसे काफिर करार दिया। और सुनो मोहम्मद, अगर कोई शख्स रूह है जमीन पर मेरी इतनी इबादत करे कि उसके आजा अलग हो जाए, उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाए, इतनी इबादत करने के बाद अगर अली की विलायत का मुनकर है तो खुदा कह रहा है मैं उसे जहन्नुम में डालूंगा, खुदा कह रहा है मैं उसे जहन्नुम में डालूंगा। तो यानी परवरदिगार आलम बता रहा है कि हमारी इंसान की इबादत का मरकज महवर अल्लाह ने जिस चीज को करार दिया, कैसे करार दिया, विलायत अली ने बताया कि सलाम अलैकुम। और हमारी मिलाए थे ये इमाम ने फरमाया, इमाम पहचाने वाला जाने लगा।
अभी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, यहां मेरे साथ आवाज है, कहते सुन, कहता फरदन दर्शन फरमाइए, कहिए सुन, हमारी विलायत इन तमाम चीजों पर भारी है, हमारी विलायत मोहब्बत इन तमाम चीजों पर भारी है। तो इल्जाम मोहब्बत की याद रखिएगा कि अल्लाह ने विलायत को मरकज करार दिया है, विलायत महवर है, हर चीज का महवर, हत्ता के दीन की तकमील का दारो मदार भी खुदा ने अली की विलायत को करार दिया नहीं है। या ये रसूल बनने का मौत ले लेगा मेरे रब्बी, ए रसूल पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो आपके परवरदिगार ने आप तक पहुंचाया है, और अगर नहीं पहुंचाया तो गोया काले रिसालत आपने अंजाम नहीं दिया। काले रिसालत अंजाम न देने का मतलब क्या है? काले रिसालत अंजाम देने का मतलब यह है कि यानी आदम की मेहनत साया, नूह की मेहनत साया, इब्राहिम की मेहनत साया, नूह की मेहनत साया, क्योंकि आदम से लेकर खातम से पहले जितने आए सभी इन्हीं की बशारत देते आए नहीं आए, सभी इन्हीं को रसूल अंबिया कहते आए, खातुन नबीन है, यानी इसके बाद ना नबी आने वाला है ना पैगंबर रसूल कोई आने वाला नहीं है ना, और सब इनकी बशारत देने आए, इसके हाथों की कमान पहुंचेगा, कमान पर पहुंचेगा। तो आप मुझे बताइए अगर इन्होंने काले रिसालत अंजाम नहीं दिया तो अल्लाह के दीन को जो कुछ आया आदम से लेकर आज तक सब जाया होगा या नहीं होगा? सब खत्म होगा या नहीं होगा? दीन की इमारत इस्लाम की इमारत गिरेगी नहीं गिरेगी? तो आप मुझे बताइए नमाज के लिए कोई हुक्म नहीं था? अगर नमाज नहीं पहुंचाए तो काले रिसालत अंजाम नहीं दिया, रोजा नहीं बताया, हज के अहकाम नहीं बताया, दूसरे अहकाम हलाल हराम नहीं बताए, नजासत तहारत ना बताई, तो क्या होगा? अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी रिसालत तो खतरे में पड़ जाएगी, कहा नहीं कहा? आखिर कौन सी ऐसी चीज थी अलीजा ने मोहतरम, वो थी विलायत, वो तो विलायत अली इब्ने अबी तालिब थी। इसीलिए 23 साल जिंदगी रसूल को उठाकर पढ़ लो, 23 साल जिंदगी में रसूल ने इतना तूलानी खुतबा नहीं दिया जितना तूलानी खुतबा रसूल ने कदीर में दिया था। इतना तूलानी खुतबा नहीं मिलेगा आपको, यानी रसूल ने निजाम दिया, एक सिस्टम दिया। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कदीर कि आप मस्जिदों में मिलान कर लें, महफिलें कर लें और ये सारे काम कर कर खुश होकर चले जाए, मैं इसकी मुमानियत नहीं कर रहा। कदीर हमारी सबसे बड़ी ईद है, हमारी सबसे बड़ी ईद ईद कदीर तशय्यों की कदीर है, इससे बड़ी ईद नहीं है। इसमें खिलाना पिलाना तकसीम करना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है, निजाम समझना है कि रसूल ने कदीर में अली की जो विलायत का ऐलान किया था ये निजाम दिया था, उम्मत को बताया था कि देखो मेरे बाद इस कायनात का निजाम अगर चलाएगा तो अली इब्ने अबी तालिब चलाएगा, मेरे बाद मरकज पर हो, खुदा ने तुम्हें मोहब्बत अली पर पैदा किया है, और ये मोहब्बत कोई छोटी मोटी मोहब्बत थोड़ी है, नेमत है दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत है, नेमत है विलायत अहले बैत, विलायत आइमा। खुदा की कसम है, उस दिन रिवायत आपके सामने पढ़ी थी ना पैर पढ़ने का, कहा था कि अल्लाह ने एहसान किया जिस पर उसे हमारी मोहब्बत अदा कर दी, अल्लाह जिस पर एहसान करना चाहता है उसे मोहब्बत देता है, विलायत दे दी आपको, बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स आकर इमाम के पास गिर गया, करने लगा, रोने लगा, या मासूम से कहने लगा, या इमाम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, ना खाने को है ना पीने को है, कुछ भी नहीं है। इमाम ने कहा फिर बोला कुछ दे दीजिए। तो इमाम उसकी तरफ खिताब करने के लिए, किसने
कहा तू गरीब है? किसने कहा तू गरीब है? कहा मौना मेरे घर से दीजिए, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, खाली पतीली पड़ी और कुछ नहीं है, कोई चीज खाने को नहीं है। इमाम ने कहा नहीं, तुझे किसने कहा था? तू तो बहुत अमीर है, तुझे दौलत खुदा ने बड़ी दौलत दी है। कुछ समझ नहीं सका इमाम की बात को। फिर इमाम से कहते मौला आप मेरे घर चलिए, मेरे बच्चों की सूरत हाल देखिए, कई दिन से खाना नहीं खाया। फिर इमाम ने कहा वही जुमला दोहराया, फिर खुद कहता पलटकर बोला आप बताइए कि मैं कैसे अमीर हूँ, आप बताइए। इमाम ने कहा चाहिए बता, अगर दुनिया की दौलत तुझे दे दी जाए, सारी दौलत तुझे दे दी जाए, दुनिया की तेरे कदमों में रख दी जाए, और इस सारी दुनिया की दौलत के अवसर से सिर्फ एक काम कहा जाए और ये कहा जाए तो हमारी विलायत से मोहब्बत से हाथ उठा दे, तो तू क्या हमारी विलायत छोड़ देगा, मोहब्बत छोड़ देगा? फौरन कहता है मौला ये नहीं कर सकता, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूँ, सारी दुनिया की दौलत को ठोकरों मना सकता हूँ, लेकिन आपकी विलायत को नहीं छोड़ सकता। तो जैसे उसने जुमला कहा इमाम ने कहा फिर तू गरीब कैसे हुआ? सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की दौलत नेमत एक तरफ है, हमारी मोहब्बत और विलायत एक तरफ है। तो हमारी नेमत और विलायत की कोई बदल है ही नहीं, हमारी विलायत का कोई बदल ही नहीं है। परेशान हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अली के दामन से वाबस्ता किया, और यही विलायत है कि जिसके सबब से इंसान खुदा को तौबा की तौफीक देता है, तौबा की तौफीक देता है। सलाह देखिए मोहम्मद पाबंदी करो, और याद रखो हमारी
सादी अलैहिस्सलाम यहाँ तक हदीस पढ़िए, इमाम शाह फरमाते अपने शियों को पैगाम देते हैं, ऐ हमारे चाहने वालों मानने वालों, अगर तुम हमारी सीरत पर चलो, अगर तुम हमारे फरामीन पर चलो, हमारी इताअत करो, हम अहले बैत की शफाअत की बात करते हो, खुदा की कसम हम तुम्हें हक देंगे कि तुम लोगों की शफाअत करना, तुम्हें इख्तियार दे देंगे। ये विलायत के इख्तियारात हैं, ये विलायत का हक है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, पैगंबर कहते हैं 10 जो सिफात होंगे लिखकर मैं आपके सामने ले आऊं, 20 सिफात जो बयान किए उसमें से एक खसूसियत, ये पैगंबर कहते हैं जिसके दिल में अली की मोहब्बत और विलायत है, खुदा उस अली के चाहने वाले को कयामत में ये इख्तियार देगा कि एक मोमिन 100 खानदान की शफाअत करेगा। ये विलायत के साथ है, ये विलायत कोई खेल थोड़ी है, ये मोहब्बत है अहले बैत कोई मामूली चीज थोड़ी है। खुदा ने मोहब्बत दी है, अहले बैत ने मोहब्बत, अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत डाली है, लेकिन सिर्फ इसके साथ साथ थोड़ा सा इंसान अमल करे तो यही इंसान उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां सलमान पहुंचा था। किसी की औलाद होना मियार नहीं है, किसी के सुन से हो जाना मियार थोड़ी है खुदा के नजदीक। अगर खुदा के नजदीक औलाद ही होना मियार होता तो आदम का बेटा क्यों, आदम के बेटे के बारे में नहीं पढ़ा आपने, हाबिल और काबिल के बारे में, एक ही कुर्बानी को खुदा कर रहा है रद्द, एक को कबूल कर रहा है, नबी का बेटा दोनों की कर लेता। हजरत इब्राहिम को नहीं कहा परवरदिगार ने, हमने जब इब्राहिम को इमामत दे दी तो इब्राहिम ने कहा खाला वो मिन ज़ुर्रियती और आज में भी इमाम दे दे, खुदा को दे देना चाहिए था। एक ही हुए जमीन पर दुश्मन, अल्लाह का दिफा करने वाला, तौहीद का दिफा करने वाला, प्रचार करने वाला एक इब्राहिम तो है। एक ख्वाहिश जाए कि परवरदिगार कहते थे ठीक है दे देंगे इब्राहिम, नहीं शर्त लगा दी मिलेगी जरूर, जालिमों को इमामत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने नबी की औलाद में भी होना कोई मैयार थोड़ी है, अगर जालिमों का इमामत वहाँ भी नहीं आएगी। और खुद की मिसाल दे दूँ आपको, हजरत नूह की मिसाल जानते नहीं जानते, हजरत नूह के बेटे से खुदा ने वादा किया था नूह से कि तेरी औलाद को, तेरी ज़ुर्रियत को, तेरे अहल को बचाऊंगा। 900 साल पत्थर खाते रहे, तबलीग करते रहे, तबलीग करते रहे, 950 साल तो तबलीग किए, 2500 साल तक की रिवायतें उम्र पाई है। तो अगर 2500 या 1450 साल भी ले जाए तो 1450 सदियां खुदा की राह में कोशिश करते रहे, और जब निजात का वक्त आया एक ख्वाहिश आई कि परवरदिगार मेरा बेटा डूब रहा है इसे बचा ले। अगर आपकी मेरी कोई खिदमत करे इतनी, मेरे लिए इतनी कोशिश करे, और एंड टाइम पर मुझसे कहते हैं, आपसे कहते हैं मौलाना मेरे बच्चे की खातिर जरा फेवर दे दीजिए थोड़ा सा, इतनी मैंने आपके साथ जहमत की है, इतनी मुश्किलात भाई है, तो आप उसको दे देंगे ना फेवर, चलो ठीक है इसकी औलाद है। हालांकि खुदा ने कहा था नूह तेरी ज़ुर्रियत को, तेरे अहल को बचाऊंगा, लेकिन जब नूह का बेटा रूह गिलानी पर उतर आया तो नूह ने दुआ की, परवरदिगार तेरा वादा था मेरा अहल डूबना है इससे बचा ले, तो कुरान ने क्या कहा था, लैसा मिन अहलिक, नूह तेरे अहल में से नहीं है, क्यों अहल में से नहीं है, नबी का बेटा है, बताया इसलिए कि देखो तुम्हारे अहल में इसलिए नहीं है कि इसका अमल नबी के मुखालिफ है, अगर नबी के मुखालिफ अमल में आ जाए तो औलाद ही क्यों ना हो, अहद से खारिज होती है। अगर कोई फारिस का रहने वाला हो अमल में नबी के करीब आ जाए तो नबी कहेगा कि सलमान मिन्नी हलब है। होगा कोई बड़े खानदान का वडेरा छड़ेरा ये वो जो भी हमारे यहाँ पर बसते हैं, परवरदिगार करेंगे थोड़ी है, हमारे यहाँ में यार तकवा है, जो तकवा में ज्यादा होगा मेरे नजदीक खुदा कह रहा वही मुकर्रर होगा और वही अहले बैत के नजदीक भी मुकर्रर होगा। परहेज़गारी में यार, क्योंकि मैं सारी बातें कर चुका, बस ये दो दिन में चाहता थोड़ा सा मन की बातें उठाएं, फजाएं मैंने आपके सामने पढ़े, ये भी फजीलतों का एक रुख है,
बलिदान पुत्र में इल्मेश से मोहब्बत का नतीजा क्या होना चाहिए? विलायत का असर इंसान के ऊपर ये होना चाहिए कि जिस तरह अली इब्ने अबी तालिब को इमाम मुत्तकी मानते हो, इसी तरह अली का मानने वाला भी मुत्तकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए। बस अभी तो मैंने यहाँ खत्म कर दिया, आज थोड़ी हिम्मत नहीं है, कल बात आखिरी गुफ्तगू है, कल बात को तमाम खुलासा करेंगे। आज थोड़ा सा हजरत अब्बास के वाले दो चार वाक्य बयान करना चाहता हूँ। देखिए हजरत अब्बास को ये मकाम मिला तो क्यों मिला? इतना बड़ा मकाम और भी तो औलादे हैं मासूमी की, हजरत अब्बास को और भी तो भाई थे, ये मकाम हजरत अब्बास को कैसे मिला कि आइमा फख्र कर रहे हैं अब्बास को? अभी उलमा से कहे हजरत अब्बास ऊपर पढ़ा करें, आइमा के फरामीन पढ़े, हजरत अब्बास का मकाम अहले बैत की नजर में क्या है? उम्मुल मरीम जो चार बेटे थे ना, चारों का नाम शहीद हुए थे, लेकिन जो इंफरादी हैसियत और अहमियत हजरत अब्बास को हासिल है किसी को नहीं है, जो मकाम हर में हजरत अब्बास का है किसी का नहीं है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह क्या है? हजरत अब्बास के इस मकाम और मर्तबे की बुनियादी वजह जो बताई गई है या जो तारीख से साबित होती है वो ये है कि अब्बास ने इमामत की इताअत का हक अदा किया था। ऐसा मुती और फरमाबरदार था कि अल्लाह ने उस इताअत का सिला अब्बास को यह दिया कि आज दुनिया में अब्बास खुद एक निशानी बन गया है। तो जो मुती होना जरूरी है, जो इताअत अब्बास ने की कोई नहीं कर सका। और अजीजा ने मतलब आइमा के दो अखबार बयान कर दूँ हजरत अब्बास का मकाम क्या है, ताकि थोड़ी सी हजरत अब्बास की मार्फत हो जाए। एक आलिम ख्वाब में देखते हैं कि मैं इमाम ज़माना की महफिल में बैठा हूँ, उनकी महफिल में बैठा हूँ, और लोग खुतूत लिखते हैं, आप लिखते हैं अली से इमाम को, तो कहते हैं मौला के बाद मोमिन के अली से आए थे, मौला अली से पढ़ रहे थे, अली से पढ़ देते रख देते, अली से पढ़ देते रख देते, एक अली से इमाम ने खोला तो अपनी जगह से खड़े हुए, उस अलीजे को चूमना शुरू किया, प्यार करना और आंखों से आंसू जारी हुए। प्यारे कहता मैंने पूछा मौला इतने अलीजे आपने पढ़े, आपकी ये हालत की कैफियत थी, आखिर लिखने वाले ने ऐसा क्या लिखा कि आप इतना गिरिया कर लिया? जानते इमाम ज़मान कहते थे, इमाम ज़माना कहते लिखने वाले ने मुझे मेरे चचा अब्बास का वास्ता दिया, मुझे मेरे चचा अब्बास का वास्ता दिया, अब तुम्हें नहीं मालूम कि हरम में मेरे चचा का मकाम क्या है? जो मकाम मेरे चचा का है किसी और का नहीं है हरम में। ये इमाम ज़माना कहते थे। जनाब ज़हरा इमाम हुसैन का मुजाविर है हरम का, उसके ख्वाब में आती है और जनाब ज़हरा आकर कहती है कि तू मेरे बेटे की ज़्यारत क्यों नहीं करता, तू मेरे बच्चे की रोज़े की ज़्यारत नहीं करता? वो कहता बीबी रोज़ाना आपके बेटे की ज़्यारत करता हूँ, रोज़ाना आपकी बेटे की ज़्यारत करता हूँ, कहीं मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे अब्बास की बात कर रही हूँ, तो अब्बास की ज़्यारत क्यों नहीं करता? जनाब ज़हरा ने हजरत अब्बास को अपना बेटा करार दिया, सानिये ज़हरा में और हजरत अब्बास की उम्र में 20 साल का फर्क है छोटे बड़े होने का। जनाब ज़ैनब 20 साल बड़ी है हजरत अब्बास से। मकाम क्या है? हजरत अब्बास का रिवायत कहती है कि जब शहजादी अपनी माँ के या नाना के रोजे की ज़ियारत के लिए जाती थी ना, तो बनी हाशिम के जवान जनाब ज़ैनब को अपने हिसार में ले लेते थे और उस हिसार में एक छोटा बच्चा आगे होता था जो नन्ही सी तलवार निकाले आगे आगे बढ़ता था, आवाज़ें देते जाते थे, लोगों अपनी आंखें झुका दो, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, मेरी शहजादी अपने माँ की ज़ियारत हो जाएगी। तो जब जनाब ज़ैनब बचपन में अब्बास को देखा करती थी ना इस किरदार को, तो सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसी की मजाल है कि उसके हाथ में रस्सियाँ बांधे, उसके हाथ में रेशमा बांधे। अली ने फख्र किया, अली देख रहे हैं, अली की तमन्ना, अली की दुआ, अली की दुआओं का समर अगर कोई है तो अली इब्न अबी तालिब का बेटा अबुल फज़ल अब्बास दुआ की है हजरत अब्बास के लिए, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो करबला में हुसैन का दिमाग। बस ये दो शायद
तबीयत कैसी हो। अजीजान पढ़ू अली इब्न अबी तालिब खुतबा दे रहे हैं मस्जिद कूफा में मिंबर पे बैठे, उसने उनको प्यास लगी, प्यास का तकाजा किया, कंबर उठना चाहते थे, अब्बास से कांधे ब्याह रखकर बिठा दिए कि तुम मेरे बाबा के गुलाम हो, मैं हुसैन हूं। दौड़ कर गए पूजा भर कर लेकर, और भाई भाई के नाम से कैसे उठा रहा है, जब पूजा भर के लेकर आए ना तो अब्बास से पूजा अपने सर पर रखा हुआ है, सर अली खुतबा दे रहे हैं, और जब दौड़ दौड़ कर अब्बास आ रहे तो पानी छलक छलक कर अब्बास के बाजुओं पर गिर रहा। अली ने खुतबा रख दिया, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू। लोगों ने कहा या अली इसमें रोने की क्या बात है, अरे भाई भाई के नाम सुना रहा है, मोहब्बत कर रहा है, पानी ला रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अली कहते जो तुम देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मेरा बेटा अब्बास हुसैन के लिए पानी लेने जाएगा, और होगा ये कि पानी तो ना आ सकेगा लेकिन अब्बास अपने बाजू कटा देगा। हजरत हुसैन एक रिवायत और पढ़ दो फिर मसाइल शुरू कर दो आपके सामने, ताकि जहन बन जाएगा अब्बास का किरदार क्या है। इस रिवायत का रावी शिमर है, जब ये लूटा हुआ माल गया ना वहां पर यजीद के दरबार में, तो अलम भी उसमें शामिल था, जब यजीद ने अलम की छड़ को देखा ना तो शिम से कहता शिम ये बता कि हुसैन की फौज का अलमदार कौन था, तो क्या हुआ। जब शिम ने सवाल किया तो यजीद कहता है खबीस कि खुदा की कसम जो भी हुसैन की फौज का अलमदार था उसे हक था कि वो अलमदारी करे, हक था उसे अलमदारी। शिविर कहता तू तो यजीद करबला में भी नहीं था, तूने तो देखा भी नहीं था, तूने कैसे अंदाज लगा लिया। कजरा में इस अलम के छड़ को देख, इस अलम के बांस को देख, पूरा अलम का छल तीरों से छलनी है, लेकिन उसका कब्जे को देख जहां से अब्बास से पकड़ा हुआ था, जहां से पकड़ा हुआ था जितने तीर आते थे अपने बाजू पर ले लेता था, लेकिन अलम को नहीं छोड़ा उसे। आजाद रानी हुसैन, और जब अस्ते आशुराई है और आशुरा दिन शुरू हुआ तो जनाब हुसैन ने मुशावरत की अपनी बहन से कि बहन अपनी फौज का नमदार किसे बनाऊ, तो जनाब हुसैन एक जुमला कहती है भाई क्या बात से होती वो कोई है जो नमदारी का हक ना कर सके। ये इसलिए जरूरत पड़ी जो पढ़ी नहीं जाती हमारे यहाँ, एक मैंने खाका पेश किया है कि अहले बैत की नजर में अब्बास का मकाम क्या है। अब्बास बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज। अजीजों जब आंसू आ जाए ना तो हजरत अबुल फजल अब्बास का वास्ता देकर दुआ करना खुदा से, खुदा सबकी मुश्किल को हल करेगा। आजादारा ने उसे जब अक्सर हिजरी आ गई ना और करबला का हंगाम सज गया, मैदान सज, और सुबह आशू जब एक एक दादे शुजात देता रहा, एक एक दादे शुजात देता रहा, तो एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन का भाई सामने आकर खड़ा हो गया। आका इस गुलाम को भी इजाजत दीजिए। हुसैन ने दाई बाएं जाने देकर कहा अब्बास तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो। अब्बास कह रहे मौला जिस फौज का अलमदार था सब दादे शुजात दे चुका, सब खत्म हो गया, आका मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं दी। अभी खेमे से बाहर निकले थे कि हुसैन की बच्ची दौड़ती हुई आ गई, चचा जान प्यास मारे डालती है, चचा जान मेरा लिए असर प्यासा है, चचा जान हो सके तो पानी की सभी कर दो। अब्बास ने मौका गनीमत जाना और सकीना की उंगली थाम कर हुसैन के पास ले आए। सकीना ने बाबा को देखकर दामन पकड़ लिया, बाबा मेरा भाई प्यासा है, बाबा अली हसन प्यासा है, अगर हो सके तो मेरे चचा जान को इजाजत दे दीजिए। रिवायत नहीं है, मेरा दिल कहता है कि जब सकीना ने कहा होगा ना कि बाबा मेरा छोटा भाई प्यासा है, तो हुसैन ने देखकर कहा होगा सकीना तुझे अपने छोटे भाई की इतनी फिक्र है, अरे हुसैन के दिल से पूछ कि 33 वर्ष का करियर जवान कैसे उसे मरने की इजाजत दे देगा।
आजादारा ने हुसैन अब्बास को इजाजत मिली है। अब्बास आगे बढ़े, घोड़े पर सवार हुए और जितना जल्द हो सके दौड़। हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, सकीना प्यासी है और पहले हमले में अब्बास ने घाट पर कब्जा कर लिया, अपने घोड़े को तराई में उतार दिया, अब्बास ने छिल्लू में पानी लिया, पास कहते पीना चाहते थे, सकीना की प्यास याद आई, फेंक दिया। नहीं अजीजो, क्या करबला में कोई ऐसा वक्त आया था कि अब्बास ने सकीना को भुला दिया हो, हुसैन की प्यास को भुला दिया? अब्बास ने तो छिल्लू में पानी लेकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया था, देखो अगर मेरा बाबा अली फातह खैबर है तो अब्बास फातह खफरा रहेगा। और आज भी आप करबला चले जाइए, 20 किलोमीटर नहर फरात बह रही है, नहीं मालूम आज भी अब्बास की कब्र पर कहां से पानी आ रहा है। शहीद को कहा था अब्बास ने कि अगर थोड़ी देर का कब्जा नहीं है, कयामत तक मेरा आलम तेरे किनारे लहराता रहेगा। बस सराई से बाहर निकले हैं, उस टीले पे खड़े ये सारा मंजर देख रहे, सारा मंजर देख रहे आजादार ने हुसैन और अब्बास की कोशिश है किसी तरह खेमों में पानी पहुंचाए। आजादार ने हुसैन पर एक वक्त ऐसा आया कि अब्बास को देखा, हुसैन ने कि अलम अब्बास का छुप गया है, जैसे अलम छुपा ना हुसैन ने अपने सीने को थाम लिया, खुदा मेरे भाई की खैर करे, खुदा मेरे भाई की खैर हो, अलम फिर बुलंद हो गया। दूसरी बार अलम झुका अजीजो, फिर हुसैन ने अपने सीने को थाम लिया, खुदा मेरे भाई की खैर हो। जब तीसरी बार अलम झुका ना तो उठ नहीं पाया, जानते क्या हुआ? अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं, अब्बास परेशान है कि मस्जिद सकीना को संभाले या अलम को संभाले। अब्बास ने अलम को छोड़ दिया और मस्जिद सकीना पर छा गया। आजादारा ने उसे अब वो रिवायत सुनो कि जब हुरमला ने हुरमला को गिरफ्तार किया था अमीर मुख्तार ने और पूछा था, हुरमला ये बता तूने करबला में कौन सा ऐसा काम किया था कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद तेरी मौत की दुआएं करते थे। वो कहता था मुख्तार सुन, एक तीर मैंने उस वक्त चलाया कि अब्बास पानी लेकर दौड़ रहा था तो मुझे उम्र साथ ने बुलाया, हुरमला किसी तरह अब्बास को रोक ले, किसी तरह अब्बास को रोक ले, अब्बास खेमे में ना जाने पाए। हुरमला कहता है मैंने अब्बास का तातू करना शुरू किया, मैंने देखा अब्बास के बाजू कट चुके हैं, अब्बास जख्मी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब्बास को कौन सी कुवत खेमे की तरफ फेंक रही है। हुरमला कहता है जब काफी देर गुजरी तो मैंने कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मस्जिद सकीना को देखा, अब मैं समझ गया कि जब तक मस्जिद में पानी है अब्बास को कोई रोक नहीं सकता। हुरमला कहता है मैंने तीर को कमान में छोड़ा, कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मस्जिद सकीना का निशाना लिया, सुनोगे क्या हुआ? जनाब अब्बास कहते इधर तीर मस्जिद को छेदता हुआ मेरी पसलियों में गड़ा, इधर पानी बहा उधर अब्बास की आंसुए बह गई। अपने रुख को मोड़ ले, अब सकीना का सामना करने की अब्बास में ताकत नहीं है। आजादारा ने हुसैन पर सोच दी, रिवायत और सुनिए, एक साकिर के ख्वाब में जनाब अब्बास आकर कहते साकिर तू मेरी मुसीबत क्यों नहीं पड़ता, तू मेरे मसाइल क्यों नहीं पड़ता? जनाब अब्बास की खिदमत में वो साकिर हाथ जोड़कर कहता है मौला सबसे ज्यादा मसाइब आपकी पढ़ता हूँ, सबसे ज्यादा मुसीबत आपकी पढ़ता हूँ। जनाब अब्बास कहते तुझे क्या मालूम कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? वो कहता मौला आप बताइए क्या आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? जनाब अब्बास कहते सुन साकिर, जब मेरे दोनों बाजू कट चुके थे तो एक तीर सनसनाता हुआ मेरी आंख में आकर लगा, मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं बार बार अपने सर को झटकता था कि काश तीर निकल जाए, अगर मेरे बाजू सलामत होते तो मैं तीर निकाल लेता। आगे साकिर सुन, जब तीर ना निकला तो मैंने पूरे जिस्म की कुव्वत को जमा किया, अपने सानों को बुलंद किया, तीर सानों के दरमियान लेकर अब जो खींचना चाहा। अरे सुन साकिर, एक जालिम ने मेरे सर पर गुज मारा, मैं घोड़े पे ना समझ सका,
रिवायत सुनो, मुझे नहीं मालूम हुसैन अब्बास से कितनी मोहब्बत करते थे, लेकिन मैंने एक रिवायत पढ़ी, इस रिवायत का रावी शिमर है। शिमर कहता है कि जब से आशूर में हुसैन को ज़बह कर रहा था, मैंने देखा हुसैन के लबों पर जुबिश है, हुसैन कुछ बोल रहा है, हुसैन कुछ कह रहा है। शिमर कहता मेरी समझ में ना आया, जब मैं सर काट कर नौ के नेजा पर बुलंद करने लगा, अब जो मैंने गौर से देखा तो कटे हुए सर से बस एक आवाज आ रही थी, अब्बास अब्बास।